पेपर आपको कैसे पता चला लीक हो गया है? पेपर हम लोगों के पास जो बंडल ले आए थे सब खुला खुला बिखरा हुआ ले आए थे खाली हाथ। बंडल पहले से ही खुला था? हाँ, पहले से खुला था जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं अगस्त में ही होनी है और परीक्षाएं हो भी रही हैं। 7 अगस्त को टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, आज भी 8 अगस्त को टीजीटी के एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होने जा रहे हैं। 7 अगस्त की जो टीजीटी की परीक्षा थी काफ़ी विवादों में रही और काफ़ी जगह से पेपर आउट होने की खबरें आई, बुकलेट के सील खुले मिले और ज़्यादातर सेंटर्स पर बच्चों ने ये शिकायत की है कि जो बुकलेट का सील था वो पहले से ही खुला हुआ था। साथ ही साथ सालवर गिरोह भी काफ़ी एक्टिव रहा और जगह जगह एसटीएफ ने बहुत सारे गिरोहों का पर्दाफाश भी किया। एक एक करके हम लोग सभी अपडेट को देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप खबर देख सकते हैं कि गिरोह ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का लिया था ठेका, तो ठेके पर काम चल रहा है। टीजीटी 2021 परीक्षा के दौरान शहर में पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि 2,64,00,000 में डील हुई थी। खबर है प्रयागराज की, तो इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, करोड़ों करोड़ों का खेल यहां पर चल रहा है। जैसा कि युवा मंच, प्रतियोगी मोर्चा और तमाम जो छात्र संगठन हैं, इन्होंने मांग की थी कि परीक्षा को सिर्फ और सिर्फ मंडल मुख्यालयों पर ही कराया जाए ताकि परीक्षा में गड़बड़ी कम देखने को मिले, लेकिन चयन बोर्ड ने किसी का नहीं माना और चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मामला हाईकोर्ट में भी गया, हाईकोर्ट ने भी बहुत सारे निर्देश जारी किए कि परीक्षा में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। भैया आपका नाम? अरुण कुमार। आप कहाँ से हैं? मालीपुर। सारे आपका पेपर था यहाँ? जी सर। तो कितने बजे का पेपर था? सर मेरा पीजीटी 8 का पेपर था 9:30 बजे से। आप लगभग आधा घंटा तक इन्होंने पेपर नहीं दिया, बोले कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। पेपर जब ये काफी देर बाद लाए तो पेपर खुला था, वो पहले ही लीक कर चुके थे, व्हाट्सएप कर चुके थे। 10:30 बजे तक भी पेपर नहीं दिए। जब पेपर कैसे पता चला कि लीक है? सर जब वो देने के लिए आ रहे थे तब पेपर लीक मिला नहीं हम लोगों को टाइम से, जब वो 10 बजे के बाद देने लगे। बहुत सारे सेंटर्स पर पेपर काफ़ी लेट से छात्रों को मिला, कहीं 1 घंटे लेट, कहीं आधे घंटे लेट, कहीं 1.5 घंटे लेट। बहुत सारे सेंटर्स पर तो परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम देने से ही मना कर दिया जब उन्होंने देखा कि बुकलेट खुले हुए मिल रहे हैं, तो ऐसे परीक्षा का क्या मतलब है? अरे यार पेपर सेट पूछो, पेपर सेट जब खोलेंगे, दो बच्चे सामने खोले पेपर सेट, ना पेपर सेट खुला और बताओ आउट करो इसको, सेंटर बैक आउट करो। आधे घंटे हो गए पेपर भी नहीं मिला है। पेपर खुलना नहीं चाहिए, सामने खुलना चाहिए, चार बच्चों के सामने खोलो। अरे नहीं, अगर पहले खुला होगा तो तीन खोलो ना, बच्चों के सामने तीन खोलो, तीन लोग साइन कर, तीन लोग साइन होती है, साइन करो, समझ में आइए। किसान मीटर 20 मिनट हो रहा, पेपर नहीं दे रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? फिर जा रही का है बगारे, पेपर बटवाओ, पेपर बटवाओ का है तमाशा किया हो? अरे प्रशासन के लोग भी अंदर है यार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल भी करते हुए कुछ पकड़े गए थे गिरोहों के सदस्य, साथ ही साथ नकली आंसर की बेचते हुए पकड़े गए 3 छात्र, तो कोशिश हर जगह की गई कि भर्ती में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी किया जाए। प्रयागराज, कौशाम्बी व बेलहा में महिला समेत 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और एसटीएफ ने प्रयागराज में सालवर गैंग के 7 सदस्यों को पकड़ा है। कौशाम्बी में 2 युवक व प्रतापगढ़ में डिवाइस संग महिला पकड़ी गई, तो दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए कई सारे जो फर्जी छात्र थे वो पकड़े गए हैं। तो सालवर गिरोह का काफ़ी ज़्यादा भंडाफोड़ हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उनका क्या जिनके बारे में पता ही नहीं चल पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दूसरे की जगह पर परीक्षा दे चुके होंगे और उनका कुछ भी अता पता नहीं है। जो पकड़े गए वो तो बहुत अच्छी बात है, एसटीएफ ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां अगर देखने को मिली हैं, इतने बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां देखने को मिली हैं, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी परीक्षा को सालवरों से हल करा लिया हो और
जिस तरह से चयन बोर्ड ने दावा किया था कि हम थंब इम्प्रेशन लेंगे ओएमआर पर और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और ज्वाइनिंग के समय फिर से थंब इम्प्रेशन को मिलाया जाएगा, लेकिन छात्रों ने ये शिकायत की और बहुत सारे छात्रों ने ये शिकायत की है कि सेंटर पर कुछ भी चेकिंग हो ही नहीं रहा था, किसी का कोई एडमिट कार्ड देखने वाला नहीं था, किसी का कोई आईडी देखने वाला नहीं था, किसी की जगह पर कोई भी जा सकता था। और छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह से लापरवाही बरती गई है कि असली छात्र जाकर अपना थंब इम्प्रेशन देकर निकल जाए और सॉल्वर जाकर पेपर सॉल्व कर दे, असली बच्चे का थंब इम्प्रेशन वहां पर चला गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असली बच्चा ही जाएगा, ज्वाइनिंग के समय वही जाएगा, थंब इम्प्रेशन मैच हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये जो शिकायत है बहुत सारे लोगों ने किया है कि सेंटर्स पर कुछ भी जांच वगैरह हो ही नहीं रहा था। इसी के साथ साथ एक आंसर की भी वायरल हुई है, टीजीटी परीक्षा में आंसर की वायरल हुई है। चयन बोर्ड ने बोला है कि ये आंसर की बिल्कुल फर्जी है। चयन बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है इसके संबंध में 7 जुलाई को, आप यहां देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति, इसमें लिखा गया है कि 7 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TJT की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न कराई। और एक उत्तरमाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि बिल्कुल फर्जी है। चयन बोर्ड ने कहा कि हमने उत्तरमाला का मिलान कर लिया है और ये सही नहीं है, और इस तरह की मनगढ़ंत और फर्जी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। और चयन बोर्ड ने कहा है कि चयन बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, परीक्षा को हमने सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से करा लिया है, लेकिन छात्रों का मत अलग ही है। और आप ये वीडियो भी देखिए। 15 मिनट के बाद सारे बच्चे स्कूल में जाना शुरू किए। पेपर आपको कैसे पता चला कि लीक हो गया है? पेपर हम लोगों के पास जो बंडल ले आए थे सब खुला खुला बिखरा हुआ ले आए थे खाली डब्बे। बंडल पहले से ही खुला था? हाँ, पहले से खुला था जी। पेपर पहले से ही खुला था? तो कितने बजे से होना था? तो आंसर की तो फर्जी है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जो गड़बड़ियां देखने को मिली हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ खबर आ रही है कि सालवर गैंग से 59 प्रवेश पत्र भी बरामद किए गए हैं। अलग अलग लोगों के प्रवेश पत्र इन सालवर गैंग के पास था, 12 मोबाइल, डेबिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, 25 सिल्वर बैटरी। तो हाईटेक तरीके से नकल किया जा रहा है इस बार। लैपटॉप, ब्लूटूथ समेत कई उपकरण बरामद हुए हैं। STF ने पेपर आउट करने से पहले ही सॉल्वरों को दबोच लिया है, ऐसा दावा किया गया है। तो TJT में भी सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, गिरफ्तारियां तो हुई ही हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि किस लेवल तक ये गड़बड़ियां हुई हैं। और एक नोटिस जारी किया है चयन बोर्ड ने जिसमें गलत आंसर की के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन जो पेपर आउट की खबरें हैं, बुकलेट का जो सील है वो पहले से खुला मिला छात्रों को, इस पर अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। छात्रों की मांग है कि गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पर हुई है, परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि परीक्षा दोबारा हो। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार अभी हमें भी है, लेकिन आप बिल्कुल मानकर चलिए कि एग्ज़ाम आपका दोबारा नहीं होगा और आज की जो परीक्षा है ये भी कराई जाएगी। और पहली पाली में 84% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही, TJT दूसरी पाली में 83% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही प्रयागराज में। तो ये खबर आप देख पाएंगे। पेपर लीक होने की दिन भर उड़ती रही अफवाहें, बाकी चयन बोर्ड का तो कहना है कि ये अफवाह है, लेकिन इसमें देखना होगा कि फाइनली क्या फैसला लिया जाता है। और PGT का भी एडमिट कार्ड आ गया है, वेबसाइट आप देख लीजिए, upsessb.org या फिर parikshaup.nic पर जाकर आप PGT का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। PGT का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो परीक्षा 17 और 18 अगस्त को होना है। तो आप PGT से आपने आवेदन किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट TJT और PGT से संबंधित। कोई आपके और सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।